हे गाइस, स्वागत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम लोग गोलघर जाने वाले हैं और इस ब्लॉग में हम आपको गोलघर दिखाएंगे और गोलघर पे लाइट शो का आयोजन किया गया है। क्या आज लाइट शो जो है संडे है, आज ऑन है, आज लाइट शो चल रही है या नहीं चल रहा है, ये सारा ब्लॉग इस ब्लॉग में कवर करूंगा। तो आप लोग ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। तो पहले भी हम लोग गोलघर चलते हैं, ऑटो पकड़ के फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि फाइनली अभी हम लोग गोलघर पहुंच चुके हैं। गोलघर के बारे में आपको कुछ रोचक चीजें बताते हैं। गोलघर को जो कंप्लीट किया गया था, जो कि 20 जुलाई 1786 में किया गया था, और गोलघर का पुराना नाम जो है ग्रेनरी है, और इसको जो आर्किटेक्ट किया गया था कैप्टन जॉन ग्रेनस्टीन ने आर्किटेक्ट किया था, और अभी इस पे जो है बिहार सरकार का कंट्रोल है। और गोलघर के बारे में बताएं, इसकी हाइट जो है 29 मीटर है। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा गोलघर का होल कैंपस आपको घुमाऊँगा और एक एक चीज़ से रूबरू कराऊँगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। ये आप जो देख रहे हैं गोलघर में नाम लिखा हुआ है, जैसे कि कोमल, खुशबू, बरसा, इस तरह के जो हमारे बिहार में कलाकार लोग बहुत हैं जो कि अपना कहीं भी पहचान बता देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो गंदगी फैलाई है ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग जो भी ब्लॉग ये देखेंगे, अगर आगे से कभी भी गोलघर आएंगे तो इस तरह का जो मतलब काम है बिल्कुल ना करेंगे, इससे आपका ही बदनामी होता है। गाइज, ये हर मतलब गोलघर के चारों साइड जो है इस तरह से गंदा किया गया है। जितना ही गोलघर खूबसूरत है इसको उतना ही गंदा बनाया जा रहा है। लेकिन जो गोलघर का जिस पे जो कंट्रोल उसको कर रहा है, उसका कहाँ नज़र है, क्यों इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं गाइज। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि गोलघर में जो 145 सीढ़ी है, टोटल जो है 290 सीढ़ी है। और ये देख सकते हैं कि गाइज सीढ़ी है और इस पर जो है अभी काम चल रही है, और 2-3 साल पहले ही इसे बंद कर दिया गया था, तब से अभी तक चालू नहीं किया गया है। तो किसी तरह का कोई घटना ना हो जाए इसके लिए जो है ऊपर जाना जो मना। एक बार मैं 9th में था तो पापा के साथ आया था, तो मैं गोलघर के ऊपर चढ़ा था और उस टाइम से आज तक नहीं चढ़ा हूँ। और फिर मैं गाइज बता दूँ कि अभी हम लोग चल रहे हैं लेजर लाइट शो पे, क्या वो अभी चल रहा है या बंद है या कब से मतलब वो चालू होंगे, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो गाइज, आप गोलघर में आपको इस तरह का आपको डस्टबिन भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ग्रीन और ब्लू में देखने को मिलेंगे, ताकि यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी बच्चे या कोई खाने पीने वाला या वाटर बोतल कुछ भी यहाँ लेकर के आते हैं तो डस्टबिन का यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि गोलघर का जो पार्क होता है वो काफ़ी साफ़ सफाई रहता है। She's so far away.
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारे पीछे जो कि देख सकते हैं जो कि फाउंटेन है और ये गोल घर की मतलब और खूबसूरती बढ़ाता है। और अभी ये जो रात के समय यानी कि 7 बजे ये शुरू होता है, तभी 7 तो नहीं बजे, जैसे 7 बजे होंगे ये स्टार्ट हो जाएंगे। और एक यहाँ पे एक खूबसूरत मतलब यहाँ जो फाउंटेन है वो चलता है तो बनता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गोल घर आइएगा तो आपको इस तरह से जो अम्ब्रेला टाइप का बैठने वाला आपको जगह मिलेगा, तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। हर पार्क में आपको ये मतलब दिया रहता है, इससे पार्क का और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ता है। और ये पार्क में जो ग्रीनरी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे, और शाम के टाइम में तो और ज़्यादा ही मतलब कूल टाइप का फील कीजिएगा और बहुत ही मतलब रिलैक्स फील कीजिएगा। तो गाइज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो कि सीढ़ी है, सीढ़ी टाइप का एक मतलब बनाया गया है जहाँ के बैठने आके लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ रहता है, और यहाँ से जो है पूरा मतलब गोलघर का जो कैंपस है जो कि पार्किस है वो सारा मतलब इसी मतलब सीढ़ी वाला से देख सकते हैं। तो इस पर अभी भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। साइड में है, और ये आप जब पूरा अंदर आएगा तो आपको वहाँ 2-3 कैंपस क्रॉस करने के बाद जो चिल्ड्रन पार्क मिलेगा। और यही शाम का समय है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे शाम पे आइएगा तो बहुत ही रिलैक्स फील कीजिएगा। ख़त्म। तो मैं पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पे एक चीज़ जो है जिस मकसद से हम लोग गोल घर आए थे वो चीज़ हम लोग का पूरा नहीं हो पाया, जैसा कि यहाँ पे लेजर शो का जो मतलब ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स वाले होते हैं ना वो कभी कभी जो होता है रॉन्ग डिटेल भी मतलब प्रेस कर देते हैं व्यूज़ के लिए। तो मैं देखा था उसी में बताया गया था कि जो गोल घर का लेजर लाइट जो शो है वो चालू हो गया है, तो इसीलिए हम लोग सोचे थे कि इस पर एक जो ब्लॉग बनाया जाए ताकि काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग ब्लॉग बने। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि लेजर लाइट शो जो है बंद हो चुका है और अभी तक इस पर चालू का कोई संभावना नहीं है। तो गाइज इस तरह से खबर से दूर रहिएगा। और मतलब पार्क की बात करें तो पार्क काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी भी है, और यहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। और आपको चिल्ड्रंस पार्क, फाउंटेन, ये सब है, और बरगद का पेड़ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पार्क है। फिर हम लोग मिलते हैं गाइज आप लोग के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।